हेलो दोस्तों, प्रणाम। मैं राजेश इलाहाबादी प्रयागराज संगम से। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं प्रयागराज के शाहगंज स्थित बारवाड़ी दुर्गा पूजा पंडाल। तो दोस्तों, पिछले 99 वर्षों से ये कार्यक्रम चला रहा है और इस बार इसका 100वां और शताब्दी वर्ष है, जो कि भव्य होने जा रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए, आइए दिखाते हैं कि यहाँ पे तैयारियाँ क्या क्या चल रही है, जो कि यहाँ पे जो कलाकार हैं वो सारे कलकत्ता से आए हैं और जो भी सामान भी आया हुआ है वो भी कुछ कलकत्ता से आए हुए हैं। तो दोस्तों, आइए दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये पंडाल, अभी भी इसमें तैयारियां चल रही है, जो कि इसका शताब्दिक वर्ष है और भव्य होने जा रहा है। तो देखिए, हम आपको दिखाते एक व्यू कि यहाँ पे तैयारियां कैसे कैसे चल रही हैं और किन किन कलाकारों द्वारा होता है, तो ये भी आपको अभी बताएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये देखिए ढांचा तैयार हो रहा है। ये है मेन गेट का और ये आपका, ये यहाँ से जो एंट्री गेट होगा और एंट्री गेट से ये अंदर जाएंगे और यहाँ पर ये हम अंदर आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं और उस कॉर्नर, उस मध्य में आप देखेंगे तो वहाँ दुर्गा जी की प्रतिमाएँ स्थापित की जाएंगी। और इधर भी आप देख सकते हैं कि ये जो एक एक सामान आया हुआ है, जो एक एक फट्टी है, ये भी कलकत्ता से आई हुई है और कुछ इसमें की जो बांसे हैं वो भी कलकत्ता से आया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और इसकी एक एक बनावट हम अभी आपको दिखाएंगे। उससे पहले आइए हम बात करते हैं यहाँ के सचिव जी से, जो कि सतीश प्रजापति जी। आइए आप उनसे कुछ पूछते हैं यहाँ के बारे में। तो दोस्तों, अब हमारे सामने आ गए हैं सचिव जी, तो हम उनसे जानकारी लेते हैं इस पंडाल के बारे में कि इसका जो शताब्दी वर्ष हो रहा है इस बार कैसा हो रहा है, कितना भव्य इसको बनाया जा रहा है और कहाँ से कलाकार आए हुए हैं, क्या क्या यहाँ सजावट हो रही है। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश प्रजापति, सचिव शाहगंज बारवाड़ी दुर्गा पूजा कमेटी प्रयागराज। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वर्ष शाहगंज बारवाड़ी दुर्गा पूजा कमेटी अपना शताब्दी वर्ष बहुत हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाने जा रही है। इसके लिए बारवाड़ी ने अपने 2-3 वर्ष पूर्व से ही शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम की तैयारी का शुभारंभ कर दिया था और इसको एक मूर्त रूप देने के लिए हम सब लोगों ने इस वर्ष पंडाल के लिए अपने विश्व प्रसिद्ध पंडाल निर्माता, जो मेदिनीपुर के वेस्ट बंगाल के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा हमारे इस शताब्दी वर्ष के पंडाल का निर्माण हो रहा है। और चंदन नगर की लाइट, जो विश्व प्रसिद्ध लाइट है चंदन नगर की, उस चंदन नगर की लाइट के माध्यम से अपनी रोड लाइट, गेट और पंडाल की लाइट का ऐसा सिस्टम हम सब बंधुओं लोगों ने यहाँ बनाया है। ये पंडाल का ढांचा हमारे यहाँ तैयार हो रहा है। यहाँ लगातार मेदिनीपुर से लगभग 22 कारीगरों के माध्यम से पिछले 20 दिनों से ज़्यादा का समय हो गया है, यहाँ पे लगातार वो सब बंधु यहाँ पर आकर के अपना अधिकाधिक समय दे करके कार्यक्रम को हमारे संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं। मूर्ति के लिए हम सब लोगों ने कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल के कारीगरों के माध्यम से अपने मूर्ति का निर्माण कराया है, जिसका कि एक अभी जो प्रारूप अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, एक सप्ताह के उपरांत यहाँ मूर्ति हमारी आ जाएगी और उसका जो फाइनल का काम, फाइनल टच का काम है, वो फाइनल टच का काम हमारे पंडाल में ही संपन्न होगा। हमारा निवेदन है आप सब बंधुओं से अधिक संख्या में पंडाल, हमारे पंडाल को, हमारी लाइट को और मार्ग के दर्शन को करके अपने आप पूर्ण के भागी बने। तो हम सचिव जी से पूछना चाहते हैं कि इसमें जो कारीगर कलकत्ता से आए हुए हैं वो अभी तक क्या क्या तैयार कर पाए हैं। इस वर्ष शताब्दी वर्ष में हमारी बारवाड़ी भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध मंदिर का प्रारूप के रूप में ये पंडाल को सजाने जा रही है। ये सब देखिए, ये कारीगर पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर के जो कारीगर हमारे आए हुए हैं, वो सब ये पंडाल को मूर्त रूप देने में अपना समय देकर के ये सब चीज़ें तैयार कर रहे हैं। ऊपर ये हमारा मचान बना हुआ है, इस मचान पे माता जी को हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं और इस पर भी हम लोग उनको वहीं प्रतिस्थापित करेंगे। मचान लगभग तैयार हो गया है, 2-4 दिन के अंदर यहाँ हमारी मूर्ति आ जाएगी, जिससे हमारे मूर्ति का फाइनल काम इसी पंडाल में संपन्न होगा और उसके पश्चात
हमारा ये शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम 18 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ होकर के 25 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। जो मेन गेट है पंडाल का, जहाँ हमारी प्रतिमा स्थापित होगी, पंडाल का जो गेट का ये बीट का काम हुआ है हमारे मेदिनीपुर के आए हुए कारीगर बप्पा जी और राहुल, बप्पा जी और राहुल प्रदीप बप्पा जी और प्रदीप मिल के दोनों का, ये लोग और इनके और भी अनेक साथी 10-12 साथी और भी हैं जो इसमें भोजन पे गए हुए हैं, वो सब मिल के काम कर रहे हैं। ये हमारे मेन गेट पे लगने वाला ये पिलर है और इसमें अभी जो है अभी बहुत सा काम शेष है। अभी सिर्फ इसमें बीच के माध्यम से ढांचा बना हुआ है और उसके ऊपर ये पेपर इत्यादि का काम चिपकाने का काम कर रहे हैं। तो सचिव जी, आप ये बताइए कि जो इस बार शताब्दी वर्ष हो रहा है उसका कोई नाम आपने दिया? इस बार हमारा शताब्दी वर्ष का जो कार्यक्रम है वो मातृशक्ति के ऊपर बेस्ड कार्यक्रम है। जी जी। और हम लोगों ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है और इसलिए हमने अपने कार्यक्रम का नाम दिया मातृशक्ति। हमारे पंडाल के अंदर ज़्यादातर महिलाएं ही कार्यक्रम को हमारी देखेंगी, हम सब पुरुष वर्ग के लोग सब पंडाल के बाहर रहेंगे। अंदर का सारा कार्य महिलाओं के माध्यम संपन्न होने जा रहा है, महिला सशक्तिकरण हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया है। तो दोस्तों, अभी हमारी मुलाकात हुई है यहाँ पे इस पंडाल की जो देख रेख करते हैं कि कैसे बनाया जा रहा है, क्या ढांचा तैयार किया जा रहा है, तो मिस्टर मुकेश प्रजापति जी से मुलाकात हुई, तो आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं। ये जो ढांचा बनाया जा रहा है ये हिंदुस्तान का एक भव्य मंदिर का रूप दिया जा रहा है, और भव्य मंदिर का रूप देने में एक ये है कि ये थोड़े दिन बाद जब स्ट्रक्चर और तैयार हो जाए, अच्छे रूप से तैयार हो जाए, तो आपके समीप ये प्रस्तुत किया जाएगा कि ये मंदिर किस रूप पे है, और बहुत भव्य इंतजाम किया जा रहा है। ये आगे देखिए, यहाँ पे माँ की मूर्ति रहेगी, तीन प्रतिमा है, भव्य बन रही है, इसका भी आपको देखने को मिलेगा। और ये पंडाल के अंदर का ये हॉल है जो बहुत अच्छे कारीगरों द्वारा बाहर से बुला कर करके कलकत्ता मेहंदीपुर से आए हुए हैं ये जो कारीगर, और ये बना रहे हैं, ये आवास का और पूरा इसका देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने जो है बनाया है, और काफ़ी अच्छा इंतजाम बना करते हुए कुछ समय में आपको ये पता लग जाएंगे कि किस रूप में आ रहा है। ये पतली पतली डंडियों से ये बनाया गया है, ये इस तरीके से पिलर और इस तरीके से सारी चीज़ें बन रही हैं, इस तरीके से एक अच्छा खासा मंदिर का रूप दिया जाएगा। दोस्तों, हमारी मुलाकात हुई यहाँ पंडाल के सचिव जी से, जो कि इनके द्वारा जो भी यहाँ पे कलाकार आए हैं उन्होंने क्या क्या चीजें बनाई वो आप यहाँ दर्शाना चाहते हैं। ये मूर्ति है, ये पंडाल में लगेंगी, इस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, ये कलाकार के द्वारा जो है तैयार किए जा रहे हैं, ये पंडाल में दर्शाया जाएगा। ये इसका क्या नाम दिया गया है? ये शेर है। अच्छा अच्छा, तो अभी इसमें सारी कलर भी होंगे? जी जी, इसमें कलर होंगे। अच्छा अच्छा, गोल्डन पेंट होंगे। तो दोस्तों, ये जो शताब्दी वर्ष की तैयारियां चल रही है इस पंडाल की, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।